नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह के सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं कि इस वेरिएंट के लक्षण क्या है, ये कितना जानलेवा है, ये कितनी तेजी से फैलता है और न जाने क्या क्या। ऐसे ही कई बड़े सवालों के जवाब दिए हैं खुद एक्सपर्ट ने। आइए सुनते हैं क्या कहना है एक्सपर्ट्स का। वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन जी, किस प्रकार का ये वेरिएंट है और कितना खतरनाक है? So, ये जो वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका से आया है, वहां पे पाया गया है। और फिक्र इस बात की हो गई है क्योंकि आपको पता ही होगा कि WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बड़े ही रैपिडली, जब से पता लगा और कुछ ही दिनों में इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया। वेरिएंट्स आते रहेंगे वापस, हमें घबराना नहीं है। ये कॉशन की सिचुएशन है, कैलसनेस की नहीं है। ये हमें प्रोएक्टिव होना है, पैनिक नहीं होना है। और सबसे बेस्ट तरीका तो है कि अगर हमने ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा है, जैसे कि आपने भी मास्क पहना है, मैंने भी मास्क पहना है, मैंने N95 पहना है, डबल मास्किंग की हुई है और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो हम किसी भी तरह के वेरिएंट से अपने आप को बचा सकते हैं। सर्टेनली डबल वैक्सीनेशन तो है ही एक इम्पॉर्टेंट टूल। तो ये जो पैरेलल में अगर हम करें कि डबल वैक्सीन भी करा लें और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो फिर ये भी वेरिएंट पास ऑन हो जाएगा। जो डॉक्टर हैं, जो अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी पेशेंट्स वो देख रहे हैं वो ज्यादातर माइल्ड डिजीज के हैं। और अब तक भी अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि अस्पताल भरे जा रहे हैं या ICUs भरे जा रहे हैं। और वही देखा गया है परहैप्स जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में ये वायरस हुआ है कि ज्यादातर एसिम्टोमैटिक या माइल्डली सिम्टोमैटिक लोग हैं। हाँ, ये बड़ी अर्ली डेज है, ये तो हमें बातें एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, चार हफ्ते पर पता चलेगी। पर जो हिंदुस्तान में भी दो लोग हैं, दो लोग जो पाए गए हैं, वो भी एसिम्टोमैटिक ही थे या माइल्ड डिजीज थी। इनफैक्ट एक तो फिर ट्रैवल करके नेगेटिव भी थे, एसिम्टोमैटिक थे, तो दुबई भी चले गए। तो इसीलिए अब तक यही समझेंगे, वायरस की म्यूटेशन जरूरी नहीं है कि खतरनाक हो। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट ने काफी अहम जानकारी दी। हमारा मकसद आपको डराना या आपके मन में दहशत पैदा करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन वैक्सीनेटेड होने के बावजूद डबल मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।